उसने किया है, अपने पति को मार दिया और साथ में दो लोग और मर गए जो उसके साथ में शराब पी रहे थे। लेकिन यदि हम इसको संवेदनशीलता के साथ अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस देश में और प्रदेश में पति को परमेश्वर माना जाता है, पति की पूजा की जाती है, निर्जला उपास रखकर पति की पूजा की जाती है, तो वो कितनी मानसिक तनाव से वो महिला गुजर रही होगी शराब की उत्पीड़ना की वजह से। शराब पी करके जो उसका पति उसको उत्पीड़ना देता था या तंग करता था, तो वो डिप्रेशन उसके ऊपर कितना प्रबल हो गया होगा कि वो अपने ही पति की उसने जान ले ली, अपना ही घर उसने उजाड़ दिया और साथ में दो घर और उजाड़ दिए, अपने बच्चे को अनाथ किया, साथ में और बच्चों को अनाथ कर दिया। तो सरकार को कहना चाहती हूँ, सरकार से ये गुहार लगाना चाहती हूँ, साथ में मैं माननीय बाल विकास मंत्री महोदया से मैं गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने जिला अस्पताल हैं उसमें एक कमरा हम अगर काउंसलिंग का रख दें कि भाई जितनी हमारी बहनें हैं या जितने हमारे नौजवान युवक और युवताएं हैं, युवतियां हैं, वो जाकर के काउंसलिंग कम से कम अपनी पीड़ाओं को जाकर के रख सकती है, उनकी काउंसलिंग हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 85% यानी 85% जो उत्पीड़ना होती है वो सिर्फ शराब के कारण हमारी महिलाओं के ऊपर